बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज की वीडियो भी जो है इफ्तार मेन्यू पर है, तो आज भी दही भल्ले बनाए हैं जो कि मैं हर रोज़ ही बनाती हूँ, और चना चाट जो है वो कभी कभी बनाती हूँ। ठीक है ना, इस रमज़ान में सिर्फ एक दफ़ा मैंने चना चाट बनाई है, बाकी हर रोज़ दही बड़े बनते हैं, तो आज भी दही बड़े हैं। और इसमें मैंने पुदीना और धनिया डाला हुआ है और हरी मिर्चें, मुझे बहुत पसंद है दही बड़ों में पुदीना और हरी मिर्चें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी चीनी भी डाला करें, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो दही बड़े हमने बना लिए हैं, आपने क्या बनाया है आपने भी मुझे बताना है। मैं हर रोज़ आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या बनाया, आप लोग मुझे जवाब नहीं देते, तो आप भी मुझे बताएं कि आपके मेन्यू में, इफ्तार मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको मेरे मेन्यू की कौन सी चीज़, कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी, तो लाजमी बताया करें, और एंड तक वीडियो को देखा करें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें, और नए आने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब करें जब मेरे चैनल को, तो साथ में बेल आइकन भी है उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जो बिल्कुल फ्री है, टेंशन ना लिया करें। तो जी, दही बड़े बन गए हैं, और साथ में मैं आपको बताती हूँ और क्या बनाया है। और साथ में बन चुकी है फ्रूट चाट, जिसमें मौसम के सभी तकरीबन फ्रूट जो हैं वो मौजूद हैं, और थोड़ी सी क्रीम है, दही है, थोड़ी सी चीनी है, और बस। तो बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत अफादियत है इसकी, ज़रूर खाया करें लाजमी, क्योंकि पूरे दिन जो है हमारा जो जिस्म है वो अपनी एनर्जी जो है वो तकरीबन वेस्ट कर चुका होता है, तो दोबारा एनर्जी हासिल करने के लिए फ्रूट चाट बहुत ज़रूरी है, तो आप भी ज़रूर बनाया करें। और इसके अलावा खरबूजे हैं हमारे पास, तो मैं छोटे छोटे इस तरह काट के रख लेती हूँ ताकि खाने में आसानी हो। एक फोर्क रख लिया साथ में, ताकि फटाफट यूँ उठाएँ और खा लें। तो फ्रूट चाट और खरबूजे हो, इसके अलावा जी तरबूज़ है जो कि पानी की कमी को पूरा कर देता है, तो तरबूज़ भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पर है खजूरें, जिसके बाहर रोज़ा इफ्तार नहीं होता। धोलियाँ हैं, धो के रखनी है मैंने खजूरें भी, फटाफट एनर्जी जो होती है ये फटाफट एनर्जी को वापस लेके आती है, ग्लूकोज फटाफट जो है ना इसका हमारे जिस्म में घुल जाता है, इसलिए रोज़ा खजूर से इफ्तार किया जाता है। तो तरबूज भी है हमारे पास और खजूरें भी हैं जी, साथ में है पकोड़े और हरी चटनी दही वाली, तो पकोड़े तो लाजमी होते हैं। आपने कौन से पकोड़े बनाए हैं आपने लाजमी बताना है। अच्छा, मैं जा रही हूँ इफ्तारी के लिए, इफ्तार करने, क्योंकि टाइम बिल्कुल हो गया है इफ्तार का। आपने लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बता देना है, और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।